नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं आपका चैनल स्मार्ट टेलीकॉम। जैसा कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पे वीवो का एक फोन है, वाई इक्यासी मॉडल है। इसका पैटर्न लॉक हो चुका है, अब इसे हम इजीली अनलॉक करेंगे और स्टेप बाय स्टेप आप देखिए। अगर आप इस चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों, और हम इसको स्टेप बाय स्टेप दिखाएंगे। आप लास्ट तक देखें, कोई भी वीडियो स्किप ना करें आप, और इसमें स्टेप बाय स्टेप आपको दिखाएंगे कि इसे आप इजीली कैसे रिमूव कर सकते हैं। और दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और इस आप हमारे चैनल में नए हैं तो आप इसको सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि नए वीडियो आपको हमेशा मिलते रहेंगे। तो वाई इक्यासी ये मॉडल है, हम इसे आपको स्टेप बाय स्टेप करके दिखाएंगे कि आप इसे कैसे कैसे इसका पैटर्न आप इजिली रिमूव कर सकते हैं। ठीक है, चलिए हम अपने पीसी में आपको दिखाते हैं आगे कि कैसे इसका पैटर्न हम आपको रिमूव करते हैं। चलिए दोस्तों, जैसा कि आपने देखा कि हमने एक फ़ोन दिखाया था, वीवो का एक मॉडल है, वाई इक्यासी मॉडल है, और आपको हम UMT के थ्रू वन क्लिक में इसकी पैटर्न आपको इजीली रिमूव करना दिखाएंगे। और चलिए हम आपको देर ना करते हुए वीडियो को छोटा बनाते हुए हम आगे चलते हैं। आपको आपको उसको डिवाइस मैनेजर साइड में खोल के रख लेना है, क्योंकि मीडियाटेक का इसमें CPU लगा हुआ है। मीडियाटेक का इसमें CPU है, क्वालकॉम भी आता है और मीडियाटेक भी आता है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि कौन सा CPU है, कौन सा मॉडल है। चलिए ठीक है, तो ये वाई इक्यासी हमारा मॉडल है, तो हमको UMT से हम इसे इजीली हटाएंगे। तो हमारा मीडियाटेक है, तो मीडियाटेक का अल्टीमेट मल्टी टूल खोलेंगे यहाँ पे, मीडियाटेक का UMT में अल्टीमेट मल्टी टूल, और ये इजीली खुल जाएगा। ये ऑफलाइन चलता है, इसमें कोई नेटवर्क वाईफाई की देने की ज़रूरत नहीं होती है। ठीक है, तो ये UMT आपको, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है, और हाँ, अगर आप नए हैं, मैं फिर से आपको रिमाइंड कर रहा हूँ, तो सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे हमारे नए लेटेस्ट वीडियो आपको हमेशा मिलते रहें। चलिए, हमारा खुल गया अल्टीमेट मीडियाटेक वी वर्जन, इसका 2.5 है। अब इसमें आप इसमें फ्लैशिंग कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें हैं, बाद में हम आप कमेंट में करेंगे तो मैं बहुत सारी वीडियो आपके लिए, सॉफ्टवेयर के लिए, हार्डवेयर के लिए बना सकता हूँ। चलिए ठीक है, अब आपको करना क्या है, यहाँ पे बाई मॉडल थ्रू जाना है, आपको बाई CPU नहीं जाना है। तो आपको जाना है, मॉडल लेना है अपना वीवो, हमारा वीवो का मॉडल है वीवो। अब इसमें जाना है आपका, हमारा वाई इक्यासी है। अब इसमें कुछ भी नहीं करना है दोस्तों, अब इसमें करना है, देखिए फॉर्मेट FS लिखा है, क्योंकि ये नए फ़ोन हमारे जो होते हैं वो हमारे फॉर्मेट नहीं होते हैं, तो हमें सबसे पहले उसको फॉर्मेट करना होता है। बाद में इसकी FRP लग जाती है, लगती भी है, नहीं भी लगती है, तो हम बाद में देखेंगे कि उसकी FRP लगती है कि नहीं, क्योंकि वीडियो आप स्किप ना करें, लास्ट तक देखें। कोई भी हमारे वीडियो में, चैनल में फेक वीडियो नहीं बनती है। अब हमने मॉडल ले लिया है, अब ब्रांड ले लिया है, फिर मॉडल ले लिया है, अब आपको फॉर्मेट FS पे क्लिक करके डो कर देना है। वो होना चाहिए वैसे, पर डो है। अब आपको 30 सेकंड के अंदर फ़ोन को बंद करना है और बस कनेक्ट कर देना है, बिना कोई की दबाए, मतलब कोई भी की प्रेस नहीं करना है आपको, और फ़ोन को कनेक्ट कर देना है। जैसा कि आप देख सकते हैं साइड में, यहाँ पे पोर्ट बना चुका है, मीडियाटेक प्रीलोडेड USB VCOM ड्राइवर्स। ठीक है, ये देखिए हमारा हो भी गया है, वाईपास कर भी रहा, यूजिंग डाटा हमारा, फॉर्मेटिंग यूज़र डाटा डन, जैसा कि आप देख सकते हैं। अब इसमें हम आगे देखेंगे फ़ोन चालू करके कि दोस्तों हमारे फ़ोन FRP पे जाता है कि नहीं जाता है। जैसा कि ये देखिए हमारा हो चुका है, फ़ोन को डिस्कनेक्ट करना है। मैं आपको पहले बता दूँ, कुछ भी नहीं करना था आपको, केवल ब्राउन मोड पे, इसको ब्राउन मोड मतलब डायरेक्ट, ना उसमें कोई आपका वैल्यूम अप ना डाउन, कुछ भी आपको प्रेस नहीं करना था। अब मैं फ़ोन को निकाल रहा हूँ और अब इसमें देखूँगा चालू करके कि हमारी पैटर्न हटी कि नहीं। पैटर्न तो दोस्तों हट जाएगी, बट इसमें FRP लग जाएगा, तो FRP लगने के लिए कुछ भी नहीं करना है। अगर लगती है तो हम आगे बताएंगे, अगर नहीं लगती है तो हम डायरेक्ट आपके सामने लाइव ही चल रहे हैं। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं। देख सकते हैं फ़ोन ये रिस्टार्ट हो चुका है दोस्तों, ये वही फ़ोन है जो कि हमने आपको शुरू में दिखाया था, वाई इक्यासी मॉडल है ये, और सब आपको दिखा रहे हैं। थोड़ा सा ये बूटिंग में टाइम लगता है, और मैं आपको स्टेप बाय स्टेप दिखाऊंगा कि इसमें FRP भी लगती है कि नहीं लगती है। अगर इसमें FRP भी लगती है तो मैं इसके FRP भी आपको दिखाऊंगा, इजिली इसकी आप FRP भी रिमूव कर सकते हैं। चलिए ठीक है, थोड़ा टाइम तो लगता है इसको बूट करने में। जैसा कि आप देख सकते हैं फ़ोन ये हमारा स्टार्ट हो चुका है, फॉर्मेट हो चुका है। अब हम इसे देखते हैं कि हमारी फ़ोन ये FRP पे गई है कि नहीं गई है, देखते हैं। अगर FRP पे गया होगा दोस्तों तो कुछ नहीं करना है, हम इसे वन क्लिक में इसकी FRP भी हम रिमूव कर देंगे। ठीक है, एग्री करेंगे, एग्री करने के बाद अब हमें स्किप स्किप का बटन आ रहा है दोस्तों। जैसा कि आप देख रहे हैं, अगर स्किप का बटन नहीं आता तो ये हमारा FRP भी होता, तो आपको कुछ नहीं करना था। इजिली आपको मैं FRP भी दिखा दूंगा, आप इससे वन क्लिक में FRP भी हटा सकते हैं, एक्सेप्ट कर लेंगे आप इसको और नेक्स्ट करेंगे और इसको भी स्किप कर देंगे आप, जैसा कि आप देख सकते हैं, और यहाँ पे भी आप नेक्स्ट करेंगे। कोई भी हमारे यहाँ जो भी वीडियो बनती है, मैं आपको बता दूँ, कोई भी फेक वीडियो नहीं होता है। जो भी हमारे चैनल में आपको वीडियो मिलेंगे, सब आपको परफेक्ट वीडियो मिलेंगे। सेटअप मतलब ये आप देख सकते हैं कि ये FRP पे है,
चलिए अब हम यही मैं आपको दिखाना चाहता था कि ये देखिए दोस्तों, ये FRP पे भी सेट चला गया, मतलब रिस्टार्ट हो गया। तो इसका मतलब ये स्केप तो दिखाया था बट ये FRP पे चला गया। तो हम इसकी FRP भी आपको इजिली वन क्लिक में दिखा सकते हैं कि FRP भी इसको कैसे रिमूव कर सकते हैं। चलिए ठीक है, जैसा कि आपने देखा कि उसमें मैंने उसका पैटर्न पहले हटाया था FRP, क्योंकि FRP लगती है दोस्तों। तो ये इसमें पहले पैटर्न भी था, पैटर्न भी हमने आपको दिखाया। तो अब इसको करना क्या है, कुछ भी नहीं करना, जैसा कि हमने पहले आपको स्टेप दिखाया था। तो आपने पहले फॉर्मेट FS किया था आपको जो भी था, फिर आपको करना क्या है, बस ये रिसेट FRP दिख रही है आपको, मॉडल भी वही लेना है। अब इसको FRP रिसेट पे क्लिक करना है और मैं वही सेम प्रोसेस करना है आपको, डायरेक्टली इसको फ़ोन ऑफ करके कनेक्ट कर देना है। तो मैंने उसको फ़ोन को कनेक्ट कर दिया है और ये देखिए इधर भी आप देख सकते हैं डिवाइस मैनेजर हमें पोर्ट भी MediaTek प्रीलोडर USB VCOM ड्राइवर बना चुका है। ये हमारी फ़ोन स्विचिंग हो रही है और ये हमारा ये देखिए FRP लॉक रिसेट डन, 100% डन हो गया दोस्तों। अभी से हम कुछ नहीं करेंगे, डाटा केबल से डिसकनेक्ट करेंगे, फिर से वही प्रोसेस आपको दिखाएंगे कि हमारा ये हटा कि नहीं हटा। तो दोस्तों बहुत अच्छी बात थी कि हमने स्टेप कोई भी वीडियो आपको स्किप नहीं की थी। और हमारी FRP जैसे ही रिमूव हो चुकी है, जैसा कि आपने देखा ही है हमारा फ़ोन रिबूट हो चुका है। अब आपको दिखाते हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं फिर से हमारा फ़ोन रिबूट हो चुका है और हमने यहाँ पे दिखा दूँ आपको FRP रिसेट हो चुका है सारा चीज़। अब इसको मैंने फिर से वही प्रोसेस किया था जो भी हमने पहले उसको प्रोसेस फॉर्मेटिंग के लिए किया था। देखिए हमारा फ़ोन स्टार्ट हो चुका है। अब हम इसको फिर से आपको दिखाएंगे पूरा, फिर से देखते हैं नेक्स्ट करना है। नेक्स्ट करने के बाद मैं इस हाथ से आपको करके दिखा देता हूँ, फिर से नेक्स्ट करना है। अब यहाँ पे स्किप का बटन तो आ ही रहा था, पहले भी हमारे स्किप का बटन आ रहा था, स्किप मोर एक्सेप्ट नेक्स्ट करेंगे। अब इसको फिर से स्किप कर देंगे और यहाँ पे फिर नेक्स्ट कर देंगे हम, स्किप यूज। ये देखिए फ़ोन हमारा कम्प्लीटली दोस्तों ऑन हो चुका है। सारी चीज़ें मैं आपको दिखा दूँ स्टेप बाय स्टेप। ये वही फ़ोन था जो हमने दिखाया था Y81 और ये देखिए इजिली वन क्लिक में रिमूव हो चुका है दोस्तों, जैसा कि था स्टेप बाय स्टेप। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।